नमस्कार दोस्तों दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर की मुद्दा यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है। पूरे रेलवे की जितने भी अप्रेंटिसशिप है सभी की मांग है कि जीएम पावर से भर्ती होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो अभी जीएम पावर की डिमांड हो रही है अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी सभी लोग जीएम पावर की मांग कर रहे हैं। जीएम पावर के लिए साउथ के अप्रेंटिसशिप तो प्रदर्शन पर उतरे हैं कि हमको जीएम पावर दीजिए, रेलवे में अस्थाई भर्ती दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि रेल मंत्री जी ने यह बताया था कि रेलवे की भर्ती अब प्रत्येक साल आएगी और ग्रुप डी की भर्ती भी अब प्रत्येक साल आएगी। तो जैसे कि अभी लोको पायलट और टेक्नीशियन की आपने देखा है कि 5600 और 9000 सीट की वैकेंसी दिया है, तो इसी प्रकार यह उम्मीद है कि जो ग्रुप डी की भर्ती है वह भी लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में आएगा। 25,000 से 30,000 वैकेंसी ही ग्रुप डी की आने वाली है लेवल वन की पोस्ट के लिए इस साल के लिए। और अप्रेंटिसशिप की संख्या दोस्तों 1,80,000 पहुँच गया है। प्रत्येक साल अप्रेंटिसशिप की संख्या में 50% की वृद्धि होती है, अर्थात कि लगभग 50,000 अप्रेंटिसशिप की वृद्धि होती है प्रत्येक साल। और अभी वर्तमान में 1,80,000 अप्रेंटिसशिप है अभी वर्तमान में, और वैकेंसी आने वाला है 30,000 लेवल वन की पोस्ट में। तो आप ही बताइए कि इस साल सभी अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है और जीएम पावर से तो और भी बहुत ही मुश्किल है। अगर जीएम पावर लागू हो भी जाता है तो आप 1,80,000 अप्रेंटिसशिप की भर्ती जीएम पावर से बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है। अगर 1,00,000 से ऊपर सीट जैसे कि पिछले बार आया था अगर आए ग्रुप डी की लेवल वन की, तो अप्रेंटिसशिप का जीएम पावर के माध्यम से भर्ती संभव है। लेकिन इतनी कम वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर से भर्ती बहुत मुश्किल है। लेकिन यह प्रयास होना चाहिए कि जीएम पावर लागू होना चाहिए, इस साल नहीं तो अगले साल तो जीएम पावर के माध्यम से भर्ती होगा। बहुत सारे अप्रेंटिसशिप की यह मांग है कि जीएम पावर से अच्छा जो अभी 20% का कोटा दिया जाता है उसको बढ़ा करके 50% होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप को लेवल वन की जो वैकेंसी आती है उसमें दोस्तों 50% का रिजर्वेशन अप्रेंटिसशिप को मिलना चाहिए, अर्थात जितने भी सीट है उनमें से आधी सीट अप्रेंटिसशिप से भरा होना चाहिए। इस प्रकार की मांग अप्रेंटिसशिप की है कि हमको 50% का रिजर्वेशन ग्रुप डी की भर्ती में दो। यह भी मांग बहुत अच्छा है, अगर 50% रिजर्वेशन भी मिल जाता है तो अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मान लीजिए अगर 40,000 की भर्ती आती है तो 20,000 सीट अप्रेंटिसशिप से भरा जाएगा जो कि बहुत है। अगर 20,000 सीट भी एक साल में अप्रेंटिसशिप से भरा जाए तो आने वाले समय में 1-2 साल में अप्रेंटिसशिप को अस्थाई रोजगार की जो समस्या है वह दूर होने लगेगी। पिछले बार भी तो 1,00,000 सीट था तो 20,000 सीट अप्रेंटिसशिप को दिया गया था जबकि 20% ही रिजर्वेशन था, तो उसमें भी अधिकांश सीट ओपन के छात्रों को दे दिया गया है। और तो इस बार एसोसिएशन की मांग है कि हमको 50% का रिजर्वेशन ग्रुप डी की भर्ती में दे और जितने भी हमारी सीट है सारी की सारी सीट को अप्रेंटिसशिप से ही भरा जाए, इन सीटों को ओपन के छात्रों को नहीं दिया जाए। हमारी रिजर्वेशन है तो अप्रेंटिसशिप सीसीए से ही इस सीट को भरा जाए, ऐसा अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन की मांग है। बाकी दोस्तों जीएम पावर एक विकल्प है ही, जीएम पावर से भले ही अप्रेंटिसशिप की समस्या का समाधान नहीं होगा ऐसा बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का कहना है, ऐसा एसोसिएशन और मेरा कहना नहीं है, या बहुत सारे अप्रेंटिसशिप अपनी अपनी बात ऐसा बोलते हैं कि जीएम पावर अगर लागू हो भी जाता है तो सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, यह बात तो अलग है। लेकिन दोस्तों जीएम पावर लागू होना चाहिए आने वाले समय में, तो जो नए अप्रेंटिसशिप है उनके लिए तो फायदा होगा। अगर जीएम पावर होता है लागू रहता है तो इसमें बहुत ही बढ़िया रहेगा, धीरे धीरे सभी अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होगा। और जो अप्रेंटिसशिप की मांग है कि 50% का रिजर्वेशन हमको दो, तो यह भी बहुत ही बढ़िया मांग है। अगर 50% भी मिल जाता है तो
बहुत ही फायदा होगा, अप्रेंटिसशिप की सिलेक्शन में एक रास्ता साफ हो जाएगा और अप्रेंटिसशिप पूरा निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई हम अप्रेंटिसशिप अगर हम है सीसीए वाले हैं तो हमारी सिलेक्शन जरूर होगा रेलवे में। अप्रेंटिसशिप का मनोबल बढ़ेगा अगर 50% ही दिया जाता है। तो आप लोग 50% की मांग रखिए, यह बहुत ही बढ़िया होगा। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, बाकी प्रयास है, फिर से मई महीना में रेलवे बोर्ड के साथ पीएनएम मीटिंग है, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस बात को रखेंगे उस पीएनएम मीटिंग में। आप लोग भी महामंत्री जी तक इस बात को आप लोग पहुंचाइए कि हमको 50% की मांग रखिए, अगर जीएम पावर संभव नहीं है तो 50% का रिजर्वेशन हम सभी को आप दिलवाइए रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग करके। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के पास यह मुद्दा है। बहुत सारे अप्रेंटिसशिप साथी सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे ही हमको सभी कुछ मिल जाए, हमको जीएम पावर मिल जाए, हमको 50% का रिजर्वेशन मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के यह मिलने वाला नहीं है। 20% का जो रिजर्वेशन मिला है यह महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के मेहरबानी के चलते मिला है, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ही 20% दिलवाए हैं। अगर आप लोग भी रहते हैं तो 20% भी नहीं मिलता, इसलिए आप लोग भी संघर्ष करिए, अप्रेंटिसशिप की 50% के मुद्दा को महामंत्री जी तक पहुंचाइए, एसोसिएशन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड तक रखिए, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी तक, बड़े बड़े यूनियन तक इस बात को पहुंचाइए कि हमको 50% रिजर्वेशन ही दिलवा दीजिए। घर में बैठे रहने से, सिर्फ मोबाइल में वीडियो देखने से और सिर्फ सोचते रहने से ऐसा नहीं होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के नहीं मिलने वाला है जीएम पावर। इसलिए सभी लोग संघर्ष करिए, जहां भी अप्रेंटिसशिप की हक की बात आती है सभी लोग उसमें साथ दीजिए, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से संपर्क में रहिए, उसके बाद ही जीएम पावर आप 50% मिलेगा, ऐसे बिना संघर्ष के 50% नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों अगर जिन अप्रेंटिसशिप का एज अभी बचा है वो अपनी तैयारी में भी लगे रहिए, क्योंकि तैयारी भी आपका एक विकल्प है। अगर आपको 50% नहीं भी दिया जाता है, जीएम पावर नहीं भी मिलता है, अगर आपकी उम्र बची है तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी के माध्यम से भी आप 30 नंबर तो आराम से ला सकते हैं 100 नंबर में, कोई अधिक नंबर नहीं है, थोड़ा थोड़ा से भी तैयारी को करेंगे तो आपकी नंबर आ सकती, ज्वाइनिंग हो सकता है, इसलिए संघर्ष जारी रखिए दोस्तों। तो यही दोस्तों अपडेट था, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट के साथ। आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अप्रेंटिसशिप की संबंधित अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय।